अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर में मैंने आपको बताना है कि किस तरह आप लोगों ने कैलकुलेशंस करनी है, कन्वर्जेंस कैसे निकालनी है, मोल्स कन्वर्टेड कैसे निकालने हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं मैथ्स बैलेंस इक्वेशन लगाना चाहूँ एक्सेल में, वो किस तरह लगाएंगे कि आपके पास के मैथ्स आउट किसके इक्वल हो जाएगा, मैथ्स इन प्लस स्टोइकोमेट्रिक टाइम कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय आपके पास जो है रिएक्शन रेट, रिएक्शन का रेट कितना है। यहाँ पे जो सिग्मा है दैट इज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, अगर प्रोडक्ट्स होते जाएंगे तो सिग्मा की वैल्यू प्लस में आती जाएगी, अगर रिएक्टर्स होते जाएंगे इसकी वैल्यू नेगेटिव में आती जाएगी। क्यों? क्योंकि सिग्मा जो है जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, उनके मोल्स बढ़ते जाते हैं, उनका मास बढ़ता जाता है, जबकि जो रिएक्टेंट है उनके मास, मोल्स या कंसंट्रेशन कम होती जाती है। तो आइए इसी चीज़ को हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। ये पिछली स्लाइड में हमने मटेरियल बैलेंस फर्टिलाइजर प्लांट लगा लिया था कि इस तरह आप इंडिविजुअल यूनिट के ऊपर मटेरियल डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस कर सकते हो, जो आपके पास सॉल्युबिलिटी को बताता है। किस तरह आप जो है किसी एक यूनिट के ऊपर मटेरियल बैलेंस कर सकते हैं, और किस तरह आप प्रोसेस के ऊपर मटेरियल बैलेंस कर सकते हैं, और किस तरह आप ओवरऑल प्रोसेस के ऊपर मटेरियल बैलेंस इक्वेशन लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसके स्टडी में हमारे पास जो फीड है उसकी जो मोल्स हैं, मोलर फ्लो रेट है, दैट इज 1000 किलो मोल पर आवर, यानी एक घंटे में इतने आपके मोल्स वो मोल्स जा रहे होते हैं। तो अब हमारे पास चार रिएक्टेंट हैं, तीन रिएक्टेंट्स हैं, एक सीओ है, एक एच2 है। यहाँ पे रिएक्शन से भी यही चीज़ शो हो रही है, सीओ और एच2 आपस में कंबाइन होके CH3OH बना रहे हैं, और ये हमारे पास जो CH3OH ये प्रोडक्ट है, और CH4 दैट इज इनर्ट मटेरियल। इनर्ट का अब क्या मतलब होता है, इनर्ट का मतलब जो कि आपके पास उसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना, जिस तरह वो रिएक्टेंट में आ रहा है उस तरह वो प्रोडक्ट में चला जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि जब भी कोई रिएक्शन की हम बात करते हैं, जिस भी रिएक्शन की बात करते हैं, उसमें सबसे पहले आप मटेरियल बैलेंस लगाने से पहले, कन्वर्जन का रूल पढ़ने से पहले, कन्वर्जन लगाने से पहले, यू पीपल सेलेक्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है और एक्सेस रिएक्टेंट क्या है। इस केस में सबसे पहले हमने ये देखना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है और एक्सेस रिएक्टेंट क्या है। सो अगर इसके काफ़ी सारे रूल्स हैं, मेथडोलॉजीज हैं, सबसे सिंपलेस्ट मैं आपको बताता हूँ, जिस रिएक्टेंट के लीस्ट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो, जिसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कम हो तो वो आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट बन जाता है, जबकि दूसरे वाला जो होगा जिसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ज़्यादा होंगे वो एक्सेस रिएक्टेंट बन जाएगा। तो एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ये भी है कि आप प्रोडक्ट के मोल्स निकालते हैं कि प्रोडक्ट के मास कौन सा रिएक्टेंट कम बनाएगा, साफ जरा जो वही कम बनाएगा जिस जो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, अर्ली कंज्यूम हो जाएगा, अर्ली खर्च हो जाएगा, तो वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट ही मास प्रोडक्ट का कम बनाएगा। जो एक्सेस रिएक्टेंट है वो तो प्रोडक्ट में अंदर चला जाएगा। तो यहाँ तक यही सेक्शन था, बाकी जो है इसका जो सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट सेक्शन में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह हम उसको कंटिन्यू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास यहाँ पे कन्वर्जन जो है दैट इज 60%, 60% कन्वर्जन हो रही है। अब कन्वर्जन जब भी बात करेंगे तो कन्वर्जन हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट की होती है, तो यहाँ पे हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट सीओ है। अब देखते हैं कि ये जो फ्लो रेट है, यहाँ पे फीड की कंपोजिशन गिवन है, हर कंपोनेंट की गिवन है, जब इनको इनके मोलर फ्लो रेट के साथ, फीड के साथ, टोटल फ्लो रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सीओ के मोल्स आ जाएंगे, CH4 के मोल्स आ जाएंगे, जो है CH4 के मोल्स आएंगे, H2 के मोल्स आएंगे, क्योंकि CH3OH यहाँ पे प्रोडक्ट है तो इसके कोई मोल नहीं बनेंगे। तो अब सेकंड बात यह है कि आप रिएक्शन रेट किस तरह निकालोगे, या जो कन्वर्जन गिवन है लिमिटेड रिएक्टेंट की उसका रेट किस तरह निकालोगे, कितना वो मोल्स कन्वर्ट होंगे। तो उसके लिए यह यहाँ पे हम रेट निकालेंगे, इसका मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको। तो अब ये कैसे निकाला है, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इक्वल टू लिखना है, इक्वल टू जितने भी आपके पास ये जो उसका लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो मास है, जो रिएक्टर में जा रहा है, जो मोल्स है उनको मल्टीप्लाई कर देना कन्वर्जन के साथ, तो ये आपके पास रिएक्टेड मोल्स या कन्वर्टेड मोल्स आ जाएंगे। कन्वर्जन परसेंटेज में है तो हमें इसको फ्रैक्शन में निकालना, तो ये हमारे पास कन्वर्टेड मोल्स आ गए। अब इक्वेशन हमें ये बता रही है, कोई भी आपसे कहे कि इक्वेशन को किस तरह इंटरप्रेट करते हैं, तो इक्वेशन हमें यही बता रही है कि आपके पास
ये बता रही है कि जब आपके पास 1 मोल सीओ का हो, कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल रिएक्ट करे 2 मोल हाइड्रोजन के साथ, तो आपके पास जो है प्रोडक्ट मिथाइल अल्कोहल मेथानॉल 1 मोल बनता है। तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जितने मोल सीओ के रिएक्ट कर रहे हैं उतने ही मोल मिथाइल अल्कोहल के बन रहे हैं, और उससे डबल मोल हाइड्रोजन के बन रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास जो है, क्योंकि फीड में 330 मोल आ रहे थे, 198 कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये 132 आ गए सीओ के, यानी 330 में से माइनस कर दोगे 198, स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन 1 है, 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि यहाँ इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मास इनके है 330 प्लस सिग्मा इन टू रे। आर क्या है? सिग्मा यहाँ पे हमारे पास -1 है, मल्टीप्लाई बाय आर क्या है रिएक्शन रेट 198 है। इस तरह जो अब सेकेंड की बात करें, H2 निकालें, H2 का मास कितना है, दैट इज 620। अब उसका सिग्मा क्या है H2 का, यहाँ पे 2 है स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन, क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो -2 लगा दोगे, यानी इसको मैं हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी 620। अब स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन क्या है, स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन नेगेटिव में है, दैट इज -2 हाइड्रोजन के केस में, मल्टीप्लाई उसका रेट क्या है 198। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कितने मोल उसके कन्वर्ट हो रहे हैं। इस तरह जब आप मेथानॉल के निकल, मीथेन जो है ना हमारे पास इनर्ट है, जितने मोल इन में उतने मोल आउट में, कन्वर्जन को उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इससे जब मेथानॉल के निकालेंगे दैट विल बिकम 198, क्योंकि जितने मोल सीओ के रिएक्ट कर रहे हैं उतने ही मोल मेथानॉल के प्रोड्यूस हो रहे हैं।